हेलो फ्रेंड्स, UDCRA में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टीम दूंगा BG वर्सेस सिटी की एवरेस्ट प्रीमियर लीग के मैचेस है। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, ज़्यादा पॉपुलर ये नहीं है, क्रिक बस भी इसे फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन ड्रीम इलेवन में शो हो रहे हैं और मैं इसकी आपको काफ़ी अच्छी टीम्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज़ मेरा तरीका सबसे अलग है और मेरी टीम भी सबसे अच्छी होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको टीम दिखाता हूँ और उसे कैसे बनाते हैं वो भी बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिटी वाला मैच ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले चितवन टाइगर्स को ही देख लेते हैं फ्रेंड्स, इनका स्कोर कार्ड निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉलिंग में और बैटिंग में फ्रेंड्स, आप कहेंगे पॉल स्टर्लिंग को ले लें, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इनकी सारी जो क्रीम है दोनों टीमों की, वो ऑलराउंडर सेक्शन में है। तो हम लगभग सभी ऑलराउंडर कवर कर ही नहीं सकते, हमें कोई भी तीन लेने पड़ेंगे। तो आप कहेंगे यार, स्टर्लिंग को क्यों छोड़ दिया जबकि इतने अच्छे पॉइंट दे रहा है, इसे लिया भी काफ़ी प्लेयर्स ने है। ये देखिए फ्रेंड्स, 75% लिया है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात का आप ध्यान रखना, ये ओपनर हैं, चाहे ये ऑलराउंडर सेक्शन में, लेकिन ये बॉलिंग नहीं कर रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉलिंग नहीं कर रहे कहीं पर भी। यही रीज़न है मैंने इन्हें ऑलराउंडर में नहीं लिया है, मैंने इनकी जगह लिया हुआ है स्कॉट को। आप कहेंगे स्कॉट लेट आ रहे हैं, कौन आ रहा है? 1 2 3 4, थ्री डाउन पे इनकी बैटिंग आ रही है फ्रेंड्स, 1 2 3, थ्री डाउन पे इनकी बैटिंग आ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, ये हमें ऑलराउंडर की सुविधा भी दे रहे हैं। एक अगर ये 10 15 रन मार गए, और ये देखिए फ्रेंड्स, 4 के 4 ओवर कर रहे हैं, 3 विकेट्स ये लेके गए हैं फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलराउंडर में हमें जो एक बेसिक रूल होता है, एक ऑलराउंडर को ही लेना होता है, और वही मैंने किया है, मैंने पॉल स्टर्लिंग को छोड़ दिया है। आप कहेंगे DS एरे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने 50 भी लगाई है, लेकिन फ्रेंड्स वो भी आप देख सकते हैं सिर्फ 1 ओवर कर रहे हैं, और ये भी हमें ऑलराउंडर की फैसिलिटी नहीं दे रहे। और जो ऑलराउंडर की फैसिलिटी दे रहा है वो मैं ले चुका हूँ स्कॉट। आपके पास दोनों की ऑप्शन है, आप चाहें तो इन्हें अपने, अगर 6 वाले लीग में जा रहे हैं तो 6 वाली में आप इन्हें खिला सकते हैं, वरना जो टीम मैं आपको दे रहा हूँ ये टीम आपके लिए सेफ रहेगी। तो स्कॉट को हमने ले लिया ऑलराउंडर में। अब बताऊंगा कि बाकी दो को मैंने पॉल स्टर्लिंग और DS एरे से ओपन ऊपर क्यों रखा है। तो पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता ही देता हूँ, बिकॉज इस टीम का या इस मैच का जो सबसे अच्छा जो एक क्रीम है वो ऑलराउंडर में है। तो सबसे पहले ऑलराउंडर ही कवर करते हैं फ्रेंड्स। एक ऑलराउंडर मैंने बता दिया मैंने क्यों लिया है। अब याद रखना, पॉल स्टर्लिंग ओ बैटिंग बैटिंग कर रहे हैं, सिर्फ बॉलिंग नहीं कर रहे। 16 को मैच था या 15 को था? BG वाला मैच 15 को था। ये देखिए फ्रेंड्स, इनका बॉलिंग लाइनअप देखते हैं। एक तो हमें चाहिए मोहम्मद नवीद, बिकॉज ओपनिंग कर रहे हैं और ओपनिंग ही बॉलिंग में भी ओपनिंग कर रहे हैं। मोहम्मद नवीद को हमने ले लिया है फ्रेंड्स, ये देखिए। और दूसरा तेंदिस कार्तिक फ्रेंड्स, 3 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट, और बैटिंग इनका ऑर्डर है, ये देखिए 2 डाउन पे ये आ रहे हैं। तेंदिस कार्तिक को हमने इसीलिए लिया है फ्रेंड्स, पॉल स्टर्लिंग से ऊपर। और तीसरा हमने लिया है वेशवाकर को फ्रेंड्स, इसका भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी 1 2 3 4, 5th डाउन पे ये आ रहे हैं, चाहे ये जल्दी आउट हो गए लेकिन ये अच्छे प्लेयर हैं, और ये पूरे ओवर कर रहे हैं 4 के 4। ये देखिए 4 ओवर 30 रन, 1 विकेट, इसीलिए मैंने नहीं लिया है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं फिर बता दूं, आपके पास ऑप्शन है और क्रेडिट भी पूरे हैं, आप इनकी जगह स्टर्लिंग या दीपेंद्र सिंह को ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है सोल। लेकिन मैंने वेशवाकर को ही चुना है। लेकिन फ्रेंड्स, स्टर्लिंग को आप ग्रैंड लीग में कप्तान बना सकते हैं, बिकॉज़ ये सभी सेम है। मैंने फ्रेंड्स ज़्यादातर बॉलिंग लाइनअप कवर किया, इसीलिए मैंने वेशवाकर को लिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो स्टर्लिंग को ले सकते हैं, अगर आप 2 या 3 टीम लेके चल रहे हैं। बैटिंग में देखा जाए तो इनके हैं रवि इंदर सिंह है इनके बैटिंग का, एक तो वो हमने ले लिया है BG का ही।
पाउंडेल है फ्रेंड्स, हमने उन्हें भी लिया है। ये देखिए लोअर ऑर्डर में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तभी हमने इन्हें लिया है। आप चाहे तो इनकी जगह शेख को भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, इनसे थोड़ी सी ऊपर बैटिंग करते हैं वो। कीपर फ्रेंड्स हमने सिम्पसन को ही लिया है सिटी के, ये बेस्ट है, वन डाउन पे बैटिंग करते हैं। ओवरव्यू देखते हैं फ्रेंड्स एक बार टीम का। बॉलिंग लाइनअप ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं आपको। ललित भंडारी पिछले मैच में 2 विकेट्स थी इनकी, सागर डकाल ने अच्छे ओवर किए थे और KS अरे ने चाहे विकेट नहीं ली लेकिन फिर 4 ओवर में 18 रन ही दिए थे। एक बार मैं इनकी बॉलिंग आपको दिखा ही देता हूँ फ्रेंड्स, रुको जरा कर। ये देखिए KS अरे 4 ओवर 19 रन सिर्फ, LS भंडारी 4 ओवर 29 रन, 2 विकेट, स्कॉट 3 विकेट, डकाल 4 ओवर 18 रन। दैट्स वाई फ्रेंड्स यही मेरा रीज़न है इन बॉलर्स को लेने का। कप्तान फ्रेंड्स मैंने सेफ बनाए हैं जॉर्ज स्कॉट और एन टेंडर्स कॉथिक। आप चाहे तो रविंदर को बना सकते हैं या फिर नावीद को भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप पॉल स्टर्लिंग के साथ जा सकते हैं, उन्हें बार बार कह रहा हूँ, ये आपके ऊपर है। टीम का प्रीव्यू देखे, एक टीम के मैंने कितने बैट्समैन कवर किए हैं दोनों के देखते हैं। पहली टीम के 1 2 3 3 बैट्समैन कवर हो गए, दूसरी टीम के 1 2 3 4 और लगभग 5 बैट्समैन मैंने कवर कर लिए। नवीद भी ओपनिंग कर रहे हैं, चाहे टेस्ट था जो मर्जी था लेकिन ये ओपनिंग करेंगे। अभी बॉलिंग देखा जाए तो पहली टीम की बॉलिंग है हमारे पास 1 2 3 4 बॉलर हैं फ्रेंड्स, दूसरी टीम के हमारे पास 1 2 3 बॉलर हैं दूसरी टीम के अभी हमारे पास। तो देख सकते हैं फ्रेंड किस तरह टीम को मैनेज किया जाता है, इसी तरह से अच्छी टीम्स बनाई जाती है। और इसे आप किसी मर्जी लीग में लगाएं फ्रेंड्स, जितने पैसे आपने लगाए हैं उससे ज़्यादा से आपको वापस करके जाएगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।